हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 24 जनवरी के बंद को हम लोग ने एसटी महामंडल जो है उनसे बातचीत की है, बीएसटी जो है उनसे बात की है, टैक्सी यूनियन, उसके बाद में ऑटो रिक्शा यूनियन, ओला और उबेर, इन ट्रांसपोर्ट विभाग से भी बात हो चुकी है। बैंक के पदाधिकारी जो है यूनियन के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात हो चुकी है। सामाजिक ओर से जितने भी एनआरसी सीएए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के खिलाफ जिनकी आंदोलन है उन सबके साथ बातचीत हुई है, व्यापारी वर्ग के साथ बातचीत हुई है। सभी ने यह आश्वासन दिया है कि हम लोग 24 तारीख के बंद में सहयोग देंगे और सहभागी भी होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दा हम लोग ने उठाया है कि जिसमें देश बैंकरप्सी की ओर बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, साथ साथ सीएए एनआरसी को लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है उस बयानबाजी से नरसिंगार होगा ऐसा दिखाई देता है। देश में शांति हो, देश अमन से रहे, बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल निकाले, इसके लिए मैं तमाम महाराष्ट्र के जनता से ऐलान करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो 24 के बंद में सहयोगी हो, सहभाग हो, बंद यशस्वी करे और सरकार को ये कहे कि वो शांतिपूर्वक अपना एजेंडा लागू करे, बातचीत करके लागू करे, जो मान्यता है उसी को ही लागू करे, बाकी को छोड़ दे और शांति यहां पर बचाए रखे। मैं उम्मीद करता हूं महाराष्ट्र की जनता से कि ये बंद सफल बनाएंगे। 24 जनवरी के बंद को हम लोग ने एसटी महामंडल जो है उनसे बातचीत की है, बीएसटी जो है उनसे बात की है, टैक्सी यूनियन, उसके बाद में ऑटो रिक्शा यूनियन, ओला और उबेर, इन ट्रांसपोर्ट विभाग से भी बात हो चुकी है। बैंक के पदाधिकारी जो है यूनियन के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात हो चुकी है। सामाजिक ओर से जितने भी एनआरसी सीएए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के खिलाफ जिनकी आंदोलन है उन सबके साथ बातचीत हुई है, व्यापारी वर्ग के साथ बातचीत हुई है। सभी ने यह आश्वासन दिया है कि हम लोग 24 तारीख के बंद में सहयोग देंगे और सहभागी भी होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दा हम लोग ने उठाया है कि जिसमें देश बैंकरप्सी की ओर बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, साथ साथ सीएए एनआरसी को लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है उस बयानबाजी से नरसिंगार होगा ऐसा दिखाई देता है। देश में शांति हो, देश अमन से रहे, बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल निकाले, इसके लिए मैं तमाम महाराष्ट्र के जनता से ऐलान करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो 24 के बंद में सहयोगी हो, सहभाग हो, बंद यशस्वी करे और सरकार को ये कहे कि वो शांतिपूर्वक अपना एजेंडा लागू करे, बातचीत करके लागू करे, जो मान्यता है उसी को ही लागू करे, बाकी को छोड़ दे और शांति यहां पर बचाए रखे। मैं उम्मीद करता हूं महाराष्ट्र की जनता से कि ये बंद सफल बनाएंगे।